In the given figure, the charge is stored in 6 microfarad capacitor. When points A and B are joined by a connecting wire is how much microcoulomb? इस फिगर में एक कैपेसिटर है 6 माइक्रोफराड का, उस पर आपसे पूछा जा रहा है कि कितना चार्ज होगा उस कैपेसिटर पे कब, तो जब आप ए और बी पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे एक कंडक्टिंग वायर के साथ। जब कंडक्टिंग वायर से आप कनेक्ट नहीं करेंगे ए और बी को, तो फिर कैसा होगा सर्किट में, क्या करंट फ्लो करेगा? देखिए, ये पॉइंट हाई पोटेंशियल का पॉइंट है 9 वोल्ट का, उसके बाद ग्राउंड है नीचे में, लोएस्ट पॉइंट हियर इज अ ग्राउंड। तो क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है टॉप पॉइंट और लो पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट के बीच में, ग्राउंड और 9 वोल्ट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, तो केवल रजिस्टर अगर होता रजिस्टर तो फिर उससे करंट फ्लो होता। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जिस जहाँ पे 6 ओम का रेजिस्टर है सर्किट में, जिस ब्रांच में, वहाँ पर कैपेसिटर भी है और कैपेसिटर करंट के फ्लो को रोकता है, इसीलिए 6 ओम से करंट पास नहीं करेगा। उसी तरह से जिस ब्रांच में 3 ओम रेजिस्टर है, उस ब्रांच में भी एक कैपेसिटर है 6 माइक्रोफराड का, तो उसमें भी करंट फ्लो नहीं होगा। करंट के फ्लो को रोकने का काम करता है कैपेसिटर। तो फिर इनिशियली तो इसमें कोई भी करंट इस सर्किट में फ्लो नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं ए और बी को कनेक्ट कर देते हैं एक कनेक्टिंग वायर से। लेट अस डू दैट। देखिए, ए और बी को कनेक्ट कर दिया गया। अब जो है आप कैपेसिटर को यहाँ से इस सर्किट में रिमूव कर सकते हैं। कैपेसिटर जो है करंट को ब्लॉक करता है, उससे करंट पास नहीं करता है, और जिस ब्रांच से करंट पास नहीं करता है उसको आप रिमूव कर सकते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखिए, सर्किट आपका इन दोनों कैपेसिटर को आप रिमूव कर दीजिए तो आपको थोड़ा सिंपल सर्किट दिखाई देगा। सर्किट कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, इक्विवेलेंट सर्किट। 9 वोल्ट, ये ग्राउंड, ये 6 ओम और ये 3 ओम। देखिए, ये दोनों रेजिस्टर जो है सीरीज में नजर आ रहे हैं। देखिए, करंट कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा है। जो करंट 6 ओम से पास कर रहा था, वही करंट घूम फिर के 3 ओम से भी पास कर रहा है। तो करंट अगर डिवाइड नहीं हो रहा है कहीं पर, तो फिर इसका मतलब है आ रहा था वही करंट मुड़ के 3 ओम पे आया है। करंट का डिवीजन नहीं हुआ है, और दैट इज व्हाई इट विल बी ट्रीटेड एज ए सीरीज। तो 6 ओम और 3 ओम आपको सीरीज रेजिस्टर्स मानने हैं। तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 प्लस 3 ओम। इस सर्किट से जो करंट पास करेगा, करंट इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस 9 माइनस 0, तो 9 बाय टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बाय टोटल रेजिस्टेंस 9 ओम इक्वल्स टू 1 एम्पियर। तो करंट जो पास करेगा वो 1 एम्पियर पास करेगा। करंट की बात हो गई, अब आपको निकालना है 6 माइक्रोफराड पर चार्ज, और चार्ज निकालने के लिए क्यू इक्वल्स टू होता है C × V, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए इस कैपेसिटर के अक्रॉस। तो देखिए, इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वही इस 6 ओम के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस है। आप देख लीजिए, यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल एक कंडक्टिंग वायर से, इसका मतलब कनेक्टेड है, इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। उसी तरह से बी और ए का भी पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि दे आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 6 माइक्रोफराड और 6 ओम के अक्रॉस सेम है। जैसे यहाँ पर आपने V1 मान लिया, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल V1 है। जैसे यहाँ पर आपने V2 माना, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल V2 है। तो देखिए, दोनों के अक्रॉस 6 माइक्रोफराड और 6 ओम के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। 6 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो वी इक्वल्स टू IR। I कितना है 1 और रेजिस्टेंस कितना है 6, इक्वल्स टू 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर है। इसका मतलब 6 माइक्रोफराड कैपेसिटर के अक्रॉस भी 6 वोल्ट ही होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज कितना हो जाएगा CV, 10 की पावर माइनस 6 × V इज 6, इक्वल्स टू
36 माइक्रो कूलम, यह 36